एवरी वन वेलकम टूडे फी विल डू क्लास एट्थ चैप्टर सेवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर सो लेट्स वी स्टार्ट नंबर वन फ्लिंग द ब्लैंक्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज कॉल्ड एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है ऐसी जगह को हम बोलते हैं वाइल्डलाइफ़ सेंचुरी फर्स्ट फ्ल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं नेक्स्ट सी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंज तो यहाँ पर आएगा क्लाइमेटिक चेंज जो क्लाइमेटिक चेंज होता है उसको क्लाइमेट चेंज की वजह से आ, जो बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कर माइग्रेट करती हैं फ्लाई करती हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है ए है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायो रिजर्व सो आंसर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्पेयर रिजर्व दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस इज़ द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स कैन लिव देअर नेचुरल हैबिटेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ एनिमल्स बिना किसी डिस्टर्बेंस के रह सकते हैं और बायोस्फेर रिजर्व इज डैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ ये वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो लाइफ्स को सपोर्ट करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को नाउ नेक्स्ट बी Jew and Vila centuries. So Jew.

Now, next, see endangered species and extinct species. The species of animals whose numbers are diminishing to such a level that they might face extinction. Example: loin, elephants, wild buffaloes. एंड टाइगर एक ऐसे एनिमल्स जो मतलब जो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं उनका लेवल जो कम होता जा रहा है और ऐसे एनिमल्स को हम इंडेंजर एनिमल्स कहते हैं और जो इन फ्यूचर बिल्कुल ही मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसे एनिमल्स को इंडेंजर एनिमल्स कहा जाता है लाइक एग्जाम्पल्स में लॉइंस हैं एलिफेंट हैं वाइल्ड वफेलोज है वाइल वफेलो टाइगर्स हैं एंड एक्सटिन स्पीशीज़ एक्सटिनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज़ हु प्रजेंट इन पास्ट बट नाउ दे हैव कम्प्लीटली वेनिश्ड ये ऐसे स्पिशीज होते हैं जो हमारे पास में तो पाए जाते थे लेकिन प्रजेंट में ये कंप्लीटली वेनिस्ड हो चुके हैं गायब हो चुके हैं लाइक एग्जाम्पल डोडो एंड डाइनासोर नाव नेक्स्ट डी फ्लोरा एंड फ्यूना फर्स्ट फ्लोरा द प्लान डेटा फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर ट्रम एस्ट फ्लोरा ऑफ द एरिया प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो उस एरिया के फ्लोरा कहलाते हैं लाइक एग्जाम्पल फ्लोरा इन पंचमनी बायोस्प रिज़र्व सॉल एंड मैंगो एंड फ्यूना द एनिमल्स फाउंड इन आ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज अ फ्यूना ऑफ द एरिया जो ऐसे एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो उस एरिया के फ्यूना कहलाते हैं लाइक एग्जाम्पल फ्यूना इन द पंचमनी बायोस्पीट रिजर्व ब्लू बुल वुल्फ चीतल ये सभी फ्यूना है नाउ थर्ड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं नंबर वन आ रहा है वाइल्ड लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन uh, का सो हेयर आंसर वाइल्ड एनिमल्स दे वुडेंट कैट देयर नेचुरल हैबिटेट एंड सराउंडिंग एज वेल एज फूड दे विल माइग्रेट टू अनदर फॉरेस्ट ये जो होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स उनको, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाता है प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है उनको दूसरे फॉरेस्ट में माइग्रेट करना पड़ता है बी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का सो आंसर क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब द एन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज ड्यू टू द एक्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्लाइमेट चेंज होती है वो एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर देती है इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू कार्बन डाईआक्साइड गैस की परसेंटेज बढ़ जाती है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है एंड सी विजेस विजेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिफॉरस्टेशन का विलेजर्स कैन नॉट ग्रो फूड बिकॉज ऑफ नो रेन क्योंकि विलेजर्स जो होते हैं वो फूड को ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बारिश नहीं होती बारिश डिस्टर्ब हो जाती है सो ड्रॉट सिचुएशन विल प्रिवेल्स तो ड्राउट की सूखी की सिचुएशन आ जाती है विलेजर्स विल मूव टू टाउन्स एंड सिटीज़ तो फिर गांव वालों को अपना जो विलेज होता है उसको छोड़कर टाउन और सिटीज़ में जाना पड़ता है सिटीज़ सिटीज़ में भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता है सिटीज़ फ्लोड विद ड्रॉट अफेक्टेड विलेजर्स विद अफेक्ट द एनवायरनमेंट जो सिटीज़ होते हैं उनमें जो क्या कहते हैं सूखे से पीड़ित जो विलेजेस uh, विर्स होते हैं जो गाँव वासी होते हैं उन उनकी एक बाढ़ सी आ जाती है इससे एनवायरनमेंट में इफेक्ट होता है फ़ूड ग्रेन्स विल आदर नॉट अवेलेबल और जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो पाते और अगर वो अवेबल भी होते हैं तो बहुत कॉस्टलियर होते हैं दे विल भी कॉस्टलियर now next e deforestation leads changes in the soil pro properties ई e में है अर्थ अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है सो ई डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू चेंज इन द दॉयल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल विल गेट अफेक्टेड बैडली तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है वो सॉइल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो सॉइल की वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं इससे द लैंड विल बी ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन टू डेजर्ट और जो लैंड होती है वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट एफ जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा द नेक्स्ट जनरेशन Deforestation will majorly affect the life of next generation the next generation will face problem at every step नेक्स्ट जनरेशन वुडंट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ एनिमल्स स्पीशीज ड्यू टू दैबिटेट लॉस तो जो डिफॉरेस्टेशन में जो है इसमें नेक्स्ट जनरेशन पर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ने वाला है जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी द नेक्स्ट जनरेशन वुडंट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत सारे एनिमल्स को नहीं देख पाएगी बिकॉज उनके जो हैबिटेट हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं समाप्त तो है, होते जा रहे हैं लॉस होते जा रहे हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज क्या होगा कि अगर हम पेड़ों को काटने के लिए और चल पड़ें बी द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स इज डिस्टर्ब और बी इससे क्या हुँ? जो एनिमल्स का जो हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाए उससे क्या होगा सो एंड सी द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज और जो टॉप लेयर है सॉइल की वो भी एक्सपोज हो जाए उससे सो हेयर आंसर्स ए uh, का आंसर्स है इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज दैन फॉलोइंग सिचुएशन विल अराइव अगर हम पेड़ों को काटने के लिए और भर चलें तो उससे काफ़ी सारी ये सभी सिचुएशंस आ जाएंगी नंबर वन द क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट द एन्वायरमेंट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर विल बी नो रेन जो क्लाइमेट होगी वो चेंज हो जाएगी और इससे जो हमारे जो एनवायरमेंट है वो भी अफेक्टेड होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और बारिश नहीं होगी सेकेंड द सॉयल विल अनफर्टाइल ड्यू टू द रेगुलर फ्लडिंग ऑफ़ द टॉप साइल जो सॉइल होगी वो हमारी अनफर्टाइल हो जाएगी क्योंकि जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होगी वो रिमूव हो जाएगी रेगुलर फ्लडिंग से तो इससे हमारी जो टॉप सॉइल होगी वो भी अनफर्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी नेक्स्ट बी इफ द हैबिट ऑफ एन एनिमल्स इज डिस्टर्ब द एनिमल में नॉट बी पोजिशन ऑफ गेटिंग इट्स नेचुरल हैबिटेड एज वेल एज फूड अगर हैबिटेड एनिमल्स का हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो एनिमल्स को उनके जो मतलब रहने की जगह है जो खाना है उनको जो नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा सी रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉयल बाय फ्लड्स एंड हैवी विंड्स विल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर ये क्या होता है जो टॉप लेयर है हमारी सॉइल की जो वो फ्लड्स से हैवी विंड से जब वो धीरे धीरे मतलब एक्सपोज हो जाएगी हट जाएगी तो इससे जो लोअर लैंड है जो रॉकी लेयर होती है हमारी सॉइल की, वो आ जाएगी और दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टिलिटी और ऐसी जो सॉइल होती है इसमें बहुत ही कम ह्यूमस होता है और ये बहुत ही कम फर्टाइल होती है नाउ नेक्स्ट फिफ्थ आंसर इन ब्रीफ ए वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए बी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स बाय जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी पूरी तरह से एनिमल्स के लिए सेफ uh, uh, नहीं है ऐसा क्यों है एंड सी सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन जंगल हाउ तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को स्टडी uh, करते हैं वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए सो हेयर आंसर इज इफ द बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट कंजर्व अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो द लाइफ एक्जिस्टिंग ऑन द अर्थ देअर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट विल बी डिस्टर्ब तो जो हमारी अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है उसमें जो इंटर रिलेशनशिप होगा और ये जो उनके बीच में एक जो तालमेल बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी प्रटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स वाई जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो uh, पूरी तरह से सेफ क्यों नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए सो हेयर आंसर इट इज बिकॉज डिस्पाइट ऑल दीज द प्रॉचर्स कीप किलिंग और कैप्चरिंग द एनिमल्स इन दीज फॉरेस्ट क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो प्रॉचर्स हैं जो एनिमल्स को, को मारने वाले हैं कैप्चर करने वाले हैं वो कंटिन्यू ये सब प्रोसेस कर रहे हैं डेट इज़ वाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर एनिमल्स इसलिए ही जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है एनिमल्स के लिए नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन जंगल हाउ कुछ जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल्स पर डिपेंड होते हैं कैसे सो हेयर आंसर इज सम ट्राइबल्स लिव इन दंगल जंगल प्रोवाइड दैम फूड एंड प्रोटेक्शन डैट इज़ वाई दे आर फुली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट कुछ जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल में रहते हैं और जंगल से ही उनको फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है और इस तरह से वो पूरी तरह से जंगल पर डिपेंडेंट होते हैं नाव डी वॉट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण होते हैं और उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं सो हेयर आंसर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट होता है पॉचिंग लैंड एंड फॉर कल्टिवेशन जो कल्टिवेशन के लिए जो लैंड ले, ले लेते हैं ये एक सेकेंड आता है बिल्डिंग हाउस ऑफ फैक्ट्रीज के लिए जो लैंड ले लेते हैं एंड थर्ड आता है नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड आ गए ड्रॉट आ गए इससे फॉरेस्ट फायर लगे इससे भी जंगल नष्ट हो जाते हैं ये सभी कारण होते हैं फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के और अब नाव कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन अब इनके क्या क्या, -क्या दुष्प्रभाव होते हैं नंबर वन ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है सॉइल इरोजन होता है और मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन पोल्स और जो हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पर आइस भी मेल्ट होती है नाव क्वेश्चन नंबर ई वॉट इज द रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक क्या है सो हेयर आंसर रेड डाटा बुक अ बुक विच कीप रिकॉर्ड फॉर ऑल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स रेड डाटा बुक वो बुक है जो रिकॉर्ड सभी इन एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखती है नाउ क्वेश्चन नंबर एफ वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं सो हेयर आंसर इज माइग्रेशन इज द फिनोमिन ऑफ़ मूमेंट्स ऑफ स्पीशीज़ फ्राम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड फॉर द परपज ऑफ ब्रीडिंग जो माइग्रेशन है वो एक ऐसी जो प्रोसेस है इसमें जो स्पीशीज़ होते हैं वो अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एवरी ईयर मतलब ये हर साल में वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक हैबिटेट को छोड़ो दूसरे हैबिटेट में जाते हैं फॉर द ब्रीडिंग पर्पज मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द आर्डर टू मीट एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बींग कंटीन्यूअसली कट इट इज़ जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट ये जो, जो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है फैक्ट्रीज के लिए शेल्टर्स के लिए इसके लिए ट्रीज़ को कंटिन्यूसली काट काटते जा रहे हैं तो क्या ये जस्टिफाई है कि इस तरह से पेड़ों को काटना सो हेयर आंसर इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल आवर नीड ये आ, मतलब ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं है कि केवल अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं ट्रीज़ आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ जो ट्रीज होते हैं उनको हम अर्थ के लंग्स की लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं मतलब वो हमारी अर्थ के फेफड़े कहे जाते हैं दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेड है इंक्लूडिंग एनिमल्स के भी है दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेंटेन दस ओ टू एंड सी ओ टू बैलेंस एज वेल एज ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट हो तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बैलेंस रखते हैं द कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं इससे क्या हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जा रहा है विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो बढ़ती जा रही है मोर ओवर इट कॉजेज सॉइल इरोजन और इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो रहा है फ्लड्स भी आ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है ये सभी रीजनस हैं तो हैंड्स ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड तो इसलिए हमको ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए नाउ सेवन हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट

कर करने में कंट्रीब्यूट कर सकता हो लाइक नंबर वन प्लांटिंग मोर ट्रीज सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट्स करेंगे नंबर टू ईच फैमिली शुड प्लांट एटलीस्ट वन ट्री इन द मॉनसून मंथ एक प्रत्येक फैमिली को कम से कम एक पेड़ तो उगाना ही चाहिए मॉनसून मंथ में रेनी सीजन में थर्ड फॉर अदर अदर्स टू कट ट्रीज दूसरों को पेड़ काटने से रोकने फोर्थ वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ दैम और पेड़ों को रेगुलर पानी देना और उनकी पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए फिफ्थ री यूजिंग एंड रिसाइकिलिंग पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर और हमें पेपर्स को बार बार री यूज करना चाहिए रिसाइकिल करना चाहिए इसको पेड़ों को बचाने के लिए एनर्जी को सेव करने के लिए वाटर को सेव करने के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो किस तरह से रेनफॉल को कम कर देता है सो हेयर आंसर ट्री गिव आउट अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन जो पेड़ होते हैं वे ह्यूज अमाउंट वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं ट्रांसपरेशन प्रोसेस में दिस वाटर वेपर लेटर लीड्स टू रेन और यही वाटर वेपर्स जो होते हैं ये आगे चलकर रेन का कारण बनते हैं इफ़ प्लांट्स एंड ट्रीज आर कट दैन लेस वाटर विल एवेपोरेट इन द एटमोसफियर विच लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो क्या होगा कि ये जो ट्रांसपिलेशन प्रोसेस है इसमें काफ़ी होगा और यही आगे चलकर रेनफॉल कम होने का कारण बनता है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइंड अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि हमारी जो स्टेट में जो नेशनल पार्क्स हैं उनको उनके नाम लिखने थे और उन, की मैप पर आउटलाइन करनी थी इस क्वेश्चन में मैंने आपको काफी सभी नेशनल पार्क्स की लिस्ट दी गई हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसमें नेशनल पार्क्स गिविन हैं सो so, नंबर वन आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क असम में काजीरंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क थर्ड गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क फोर्थ हिमाचल प्र, प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क फिफ्थ केरला में परिहार नेशनल पार्क सिक्स राजस्थान में रंथमपुर नेशनल पार्क सेवंथ वेस्ट बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट योर स्टेट यहाँ पर नेशनल पार्क्स को हम मार्क कर सकते हैं ये मैप है जहाँ पर नेशनल पार्क्स को किया मार्क uh, किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन वाई शुड पेपर बी सेव्ड पेपर को सेव क्यों करना चाहिए प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेफ पेपर की यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनानी है जिसके थ्रू हम पेपर को सेफ कर सकें सो आंसर अ लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर क्योंकि हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं पेपर्स को सेव करके मोर ओवर द हार्मुल केमिकल्स यूज इन पेपर मार्किंग क्योंकि पेपर मार्किंग में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग और उनके कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव आते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर और अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर तो हम पेपर को सेव करेंगे तो केमिकल जो इफेक्ट है जो हार्मुल केमिकल इफेक्ट वो भी कम होगा और ट्रीज भी सेव्ड होंगे सो सम वेस्ट टू सेव पेपर्स आर फॉलोइंग तो पेड़ों को पेपर्स को, को बचाने के सेव करने के कुछ तरीके हैं नंबर वन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पेपर को रिसाइकल करके इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर जो पेपर का यूज है वो इकनॉमिकली किया जाए और पेपर शुड नॉट बी बर्न और पेपर को बर्न नहीं किया जाए नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन कम्प्लीट दर्ड पज़ल यहाँ पर हमें वर्ड पज़ल फ़िल करनी है सो so, ये सभी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स गिविन है इन दिस फिगर वर्ड पज़ल्स के नंबर फर्स्ट में एक्सटिनिक आ रहा है फर्स्ट में ही इनडेंजर्ड एनिमल्स भी आ रहा है थर्ड में एंडेमिक है सेकेंड में रेड डेटा बुक है एंड फोर्थ में बायोडाइवर्सिटी है फिफ्थ में डाइवर्सिटी है एंड फिफ्थ में डेजर्ट्स भी है ओके okay? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस वर्ड आप ये अपनी बुक्स में फिल कर सकते हैं Okay, so that's all for today. I hope you like this video. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.